हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जिनको भी थोड़ी बहुत समस्या हो रही है, जैसे ड्राई थ्रोट की समस्या है या गले से रिलेटेड समस्या है, उनके लिए वीडियो मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूँ। वीडियो का टाइटल है ड्राई थ्रोट। ड्राई थ्रोट क्यों होता है, यानी गला हमारा बार बार क्यों सूखता है, और जो गले के आसपास की मेम्ब्रेन्स होती है वो क्यों सूखती है, इसके कारण क्या होते हैं, और इसे कैसे इजीली आप ठीक कर सकते हैं, क्या ये कोई बड़ी बीमारी है, तो इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए। कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी नहीं है जिससे आपको डरने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर बहुत ही छोटी सी बीमारी है और इसे आप छोटे से नुस्खे से घर पर आप ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन आपको 10-20 रुपए की दवाइयाँ आपको खरीदनी पड़ेंगी और इजीली आप इसे ठीक कर सकते हैं। ड्राई थ्रोट यानी गला बार बार सूखना क्या है और ये होता क्यों है। बेसिकली देखिए, ड्राई थ्रोट होने के कई सारे रीजन्स हैं। सबसे पहला रीजन्स होता है कि आपको सोर थ्रोट की समस्या। सोर थ्रोट की समस्या अगर आपको है, यानी बलगम बार बार आपके गले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिर रही है, जिसकी वजह से आपको ये समस्या हो सकती है, तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है। दूसरा कारण होता है कि हो सकता है पेशेंट को कोई एलर्जी हो, जैसे गले से रिलेटेड एलर्जी हो, या उसको फेफड़ों से रिलेटेड एलर्जी हो उसके अंदर हो सकता है, या हो सकता है डस्ट से एलर्जी हो, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि फ्यूम्स वगैरह है, केमिकल्स वगैरह है, या कोई स्पेशल कोई चीज़ खाने की वजह से फूड्स एलर्जी हो, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमें बार बार बलगम बनता रहता है और गले में बार बार खराश होती रहती है, और कई बार वहाँ पर सूजन, इन्फ्लामेशन होता है या टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो गला होता है वो सूखने लगता है। और कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें पानी की कमी की वजह से भी गला सूखता है। तो ये थर्ड कारण है, यानी कि अगर किसी के शरीर में पानी की कमी हो जाती है, पानी कम पीता है पेशेंट, या हो सकता है कि पेशाब ज़्यादा जा रहा हो और पानी कम पी रहा हो, ऐसी सिचुएशन में भी होता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो होते हैं, डायबिटीज़ में क्या होता है कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट के कंट्रोल न की जाए, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि डायबिटीज़ की वजह से पेशेंट बार बार पेशाब जाता है और पानी प्रॉपर मात्रा में पी नहीं पाता है, क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं कर पाता है। तो ऐसे सिचुएशन में भी ये आपको समस्या होगी, क्यों? क्योंकि पानी की जो कमी थी वो होती जा रही है शरीर से। तो ऐसे सिचुएशन में भी आपको ये कारण हो सकता है, ये आपको ड्राई थ्रोट की समस्या हो सकती है। ये आपका चौथा रीजन था, यानी चौथा कारण था। पांचवें कारण की तरफ जाएं तो यहाँ पर आपको हो सकता है कोई गले का इन्फेक्शन हो गया हो, बैक्टीरियल हो या वायरल इन्फेक्शन हो, जिसकी वजह से वहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहाँ के जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं वो धीरे धीरे सूखना यानी ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकती है। इसके अलावा हो सकता है कि पेशेंट्स को नोज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, यानी जो हमारे टर्बिनेट्स होते हैं वहाँ से जो हवा आती है जाती है, अगर वहाँ पर भी कोई स्वेलिंग होगा तो उसकी वजह से भी आपको ड्राई थ्रोट की समस्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो टर्बिनेट्स अंदर होते हैं नाक के पीछे की साइड में, नाक के अगर हम आगे की पीछे की साइड में जाएं तो हम देखेंगे कि वहाँ पर टर्बिनेट्स होते हैं, तो टर्बिनेट्स में स्वेलिंग होना, इन्फ्लेमेशन होना, उसकी वजह से हवा उससे टकरा करके जाएगी और ड्राई हो के जाएगी। जब ड्राई हवा जाएगी तो यहाँ थ्रोट से होकर तो निकलेगी, जब थ्रोट से होकर निकलेगी तो ये यहाँ के मेम्ब्रेन्स को भी सूखा कर जाता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन होता है। इसके अलावा गर्मियों के सीजन में क्या होता है, हम प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पी पाते हैं, और जो हमारा एनवायरमेंट होता है बहुत ज़्यादा हीट होता है, उसकी वजह से भी ये समस्या होती है। क्यों? क्योंकि पानी बाहर निकल रहा होता है पसीने के रूप में या पेशाब के रूप में, ठीक है, और हम इतना ध्यान नहीं दे पाते, कई बार पानी सही मात्रा में नहीं पी पाते हैं, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आपको हो सकती है। इसके अलावा कई तरह के रीजन्स हैं जो आपको इस प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, और आपको कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जिससे आपको थोड़ी बहुत समस्या आना स्टार्ट हो जाएगी। सिम्टम्स क्या होंगे? बेसिकली एक सिम्टम्स तो कन्फर्म है, ड्राई थ्रोट की समस्या। तो ड्राई थ्रोट की जो समस्या है उसके लिए आपको कुछ बड़ा या कोई ऐसा काम नहीं करना है, कोई ऐसी बड़ी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है जिससे आप हजारों का या ट्रीटमेंट काफ़ी सारे हजारों का टेस्ट कराने में लगे हुए हैं, इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी समस्या कम होने की बजाय बढ़ रही है, जैसे मुझे आज ड्राई थ्रोट हुआ और आज से 3 दिन हो गया मुझे, मेरी समस्या स्टिल वहीं की वहीं है और बल्कि समस्या बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में आप टेस्ट करा सकते हैं। लेकिन जब समस्या कम हो जाती है,
फिर वहीं की भी पहुंच जाती है, कम हो जाती है फिर वहीं की भी पहुंच जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में डरना नहीं है, हमें देखना होगा कि हम जो कारण पर ध्यान नहीं दे रहे हैं उनमें से कोई एक ना एक रीजंस तो है, यानी एक ना एक कारण तो है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रही है। तो ये हमें याद रखना होगा कि मेन कॉज क्या है, मेन कारण क्या है। जब हम कारण को समझ लेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ही जल्दी आपकी जो बीमारी है, ड्राई थ्रोट की जो समस्या है, वो ठीक हो जाएगी। कौन सी मेडिसिन आप इसमें ले सकते हैं, कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जिनसे आप इसे प्रॉपर तरीके से ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है ब्रायोनिया अल्वा। ब्रायोनिया अल्वा 200 पोटेंशी में दिन में 3 बार सुबह, दोपहर एंड शाम को, जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर है उन पेशेंट्स को हम दे सकते हैं, और जिनकी उम्र 10 साल से नीचे है यानी कि 4 साल से लेकर के 10 साल के जो बच्चे हैं उन्हें एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करवा लेना चाहिए, उसके बाद ही उन्हें कोई भी किसी भी प्रकार की मेडिसिन देना चाहिए। तो पेशेंट को हम दे सकते हैं 200 पोटेंशियम में सुबह, दोपहर एंड शाम को 2 से 3 ड्रॉप्स डायरेक्ट पेन पर आप देंगे, और उसके साथ में आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जैसे कि प्रॉपर मात्रा में पानी पीजिएगा, सैलेड्स का सेवन कीजिएगा, हर 3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहिएगा, हर 3 घंटे में आपको पानी भी पीना है, और अगर जिसकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वो डायबिटीज़ की जो मेडिसिन उनकी चल रही है, जिस डॉक्टर से वो कंसल्ट करते हैं, जिस डॉक्टर से वो मेडिसिन लेते हैं, वहाँ पर एक बार उनको कंसल्ट करना ज़रूरी है। उसके बाद ही उन्हें पता लगेगा कि मेन कॉज क्या था, या जो मेडिसिन से कंट्रोल डायबिटीज़ हो जाएगी तो उनकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। इसके साथ में दूसरी मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम भी बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, जो कि अभी जो पैंडेमिक चल रहा है, COVID-19 चल रहा है, इसके बचाव में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है, एज ए प्रिवेंटिव बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, जो कि इम्यून सिस्टम को इन्हेंस करती है, बढ़ाती है, और काफ़ी सारे सिम्टम्स को, फ्लू लाइक सिम्टम्स को बहुत जल्दी इरेडिकेट करती है, यानी हटा देती है बॉडी से, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत सस्ती दवाई है कोविड में प्रिवेंटिव के तौर पर। तो आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में केवल 2 ड्रॉप सुबह, 2 ड्रॉप शाम को ले सकते हैं, केवल 3 दिन तक इस मेडिसिन को देना है, आप देखेंगे कि ड्राई थ्रोट की समस्या प्रॉपर तरीके से ठीक हो जाएगी। इसके अलावा तीसरी मेडिसिन है सल्फर। सल्फर मेडिसिन बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। सल्फर मेडिसिन बहुत ही बीमारियों में, बहुत कई सारी बीमारियों में यूज़ होता है, स्पेशली स्किन की बीमारियों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो सल्फर मेडिसिन 200 पोटेंसी में केवल 1 बार, दिन में केवल 1 बार, चाहे तो सुबह ले लें या दोपहर ले लें, केवल 1 बार लेनी है, और दोपहर में लीजिएगा, दोपहर में 1 बार लेने के बाद में, और 7 दिन बाद फिर से रिपीट करनी है अगर समस्या रहती है तो, अदरवाइज उसे रिपीट नहीं करें। एक डोज ले लें केवल 200 पोटेंसी का, और 5-6 दिन वेट कर लें, ठीक हो जाएगी समस्या। इस तरह से आप अपनी समस्या को ठीक कर सकते हैं, और बहुत ही जल्दी ये समस्या आपकी ठीक हो जाएगी, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं डॉक्टर लोकेंद्र डीपी HBHMS फिर मिलता हूँ इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना प्यार जरूर दीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बहुत लोग इस समस्या से परेशान हैं, जितने लोगों का फायदा हो सकेगा उतना ही ज़्यादा ये वीडियो, मुझे लगेगा कि ये इस वीडियो को बनाने का मेरे जो मेहनत थी वो मेहनत सार हो रही है। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।